यार ये सच में बहुत टेस्टी हैं। ये 1974 में इन्होंने इनके दादा बू ये बनाते होते थे। रुमान भाई क्या का प्लान है, कहाँ जाना है? यार पहले आओ तो सही, चलते हैं फिर देखेंगे, प्लान प्लून बना लेते हैं बाद में कोई। यार कुछ तो बताओ। कुछ भी लाइट सा आज हो जाए, मज़े सा कुछ भी ना, कुछ मज़े का खाने को दिल कर रहा है। ये जितने सारे बंदे ये खड़े हैं, इन सबको लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शहजाद भाई आप? प्लान अभी जा रहे हैं, देखते हैं कि कोई अच्छा लगा, जैसे समोसों का है। एक दोस्त है उसने बताया था इकबाल टाउन में, तो देखेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शहजाद भाई? ठीक ठाक हैं यार, अभी तो बस एकेडमी से निकले हैं। सही है, रास्ते में जाते जाते प्लान बन जाता है। नूरुल्लाह भाई क्लास कैसी रही आपकी? अस्सलाम वालेकुम, पहले तो सब भाई को मेरा बहुत ज़्यादा ज़्यादा सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह क्लास बहुत अच्छा गुजरा और आप लोगों से मैं मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं ऐसे फील नहीं कर रहा हूँ मैं कि मतलब किसी और मुल्क में हूँ या मतलब अपने मुल्क से दूर हूँ। आप लोग हमें बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो और क्लास भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहे हैं। माशाल्लाह नमाज पढ़ने जा रहे हैं। वाह रुमान, नमाज पढ़ ली आपने? पक्की बात है, अब चलना नहीं है क्या? हुसैन आपने नमाज पढ़ ली? चलना कब है फिर? इधर ये देखें, ये सेल फोन पे लगे हैं, इधर वो सेल फोन पे लगे हैं, इधर ये सेल फोन पे लगे थे, बड़ी मुश्किल से मोबाइल छुड़वाया इन। अच्छा तो भाई सीन ये है कि हमने पहले 10 समोसे मंगवाए थे और अच्छे मज़ीद 10 मंगवाए हम लोगों ने, और देखें यार ये सब बैठे माशाल्लाह से खा रहे हैं। कहूँ ना बहुत मज़े के माशाल्लाह, हमने लाहौर में काफ़ी जगह में समोसे खाए, चीज़ें खाए ना, तो इसका अपना बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है यार। तो 10 में से 9 तो लाजमी मिलते हैं इसको चाहिए। रुमान कैसा लगा टेस्ट आपको? बम्ब यार, बहुत मज़ा आया, यकीन मानो। जब से हम लोग इधर आए हैं इधर लाइन लगी हुई है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। हमारे सामने पूरा कढ़ाया ख़त्म हुआ है समोसों का 10 मिनट के अंदर अंदर। अच्छा इस दुकान की ख़ास बात ये इनकी चटनी, इन्होंने इमली की चटनी बनाते हैं और क्या ही कमाल का जायका है। हुसैन कैसा लगा आपको? यार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, ये काफ़ी मरतबा हम इधर आ चुके हैं, तो जब भी आए हैं ना तो बहुत मज़े वाला टेस्ट है इनका। ये आप देखें उन्हें, वो बग्गू ब्रदर सुपरस्टार, ये बग्गू भाई ने फिल्में भी की हुई हैं, पंजाबी फिल्में, और बग्गू भाई वहाँ बैठे भी हुए हैं, इनका काम माशाल्लाह बहुत चल रहा है भाई। देखें हमें इधर लाहौर में आए हुए तकरीबन 1 माह हुआ है और 1 माह के दौरान ये हमारा 4th चक्कर है इधर, मतलब इनका टेस्ट बहुत अच्छा है भाई। ये लाहौर में इकबाल टाउन में चिनाब ब्लॉक है और ये हमारे 20 साल हो गए दुकान को। समोसे अच्छे होते हैं, रेसिपी अच्छी होती है हमारी, और चिप्स के ऊपर कॉर्नफ्लोर लगाते हैं और नमक लगाते हैं, और आपके सामने लकड़ी के ऊपर फ्राई करते हैं। समोसों में काली मिर्च होती है हमारी, ज़ीरा होता है,
दड़ा मिर्च होती है और भी मसाले होते हैं, अच्छी रेसिपी होती है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं बग्गू भाई की समोसे की दुकान पे, काफ़ी मशहूर दुकान है, बहुत तारीफ़ सुनी है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है, स्पेशल इनके समोसे और चटनी पूरे लाहौर में मशहूर हैं, इकबाल टाउन में बैठते हैं। आइए हम बग्गू भाई से बात करते हैं कि आखिर क्या जादू है इनके समोसों में। हमारे चिकन समोसे होते हैं, वेजी समोसे होते हैं और ये फिंगर चिप्स है, तो मशहूर तरीन दुकान है ये, 25 साल हो गए हमें, तो यहाँ पे जो भी कस्टमर आता है खा के खुश होता है इंशाल्लाह। हमारी इमली आलू बहारे वाली होती है, ये बहुत अच्छी है, तो इसमें इमली आलू बहारा हम डालते हैं तो सब ये पसंद करते हैं कस्टमर वाले जितने भी हैं। पहले वाले साहब और बड़े भाई थे, तो उसके बाद उन्होंने मुझे ये सीट दिया है, तो मैंने संभाली है, इसका नाम बनाया है, तो इज्जत दी है उनको।